steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे एक सवाल पूछने पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मोदी के दौरे के तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने उनसे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को लेकर सवाल पूछा था। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अब व्हाइट हाउस ने भी इसकी निंदा की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस तरह का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी पत्रकार को प्रताड़ित करना लोकतंत्र के खिलाफ है। हम इसकी निंदा करते हैं। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक बयान जारी कर अपनी पत्रकार का समर्थन किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि सबरीना एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं जो अपनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। इस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाना गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। दरअसल पीएम मोदी से सवाल करने के बाद सबरीना ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठा रहे थे। कई यूजर्स उन्हें पाकिस्तानी और उनके सवाल को एक एजेंडा कह रहे थे। यूजर्स ने कहा था कि सबरीना को खास तौर पर इस सवाल के लिए चुना गया क्योंकि वो पाकिस्तानी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सबरीना के सवाल को राजनीति से प्रेरित बताया था। अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इस दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना ने उनसे पूछा था कि भारत खुद को लोकतांत्रिक देश मानता है पर कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। आप अपने देश में मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? इस पर पीएम मोदी ने उन्हें जवाब दिया था कि भारत लोकतांत्रिक है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में डाला है। हमारा संविधान, हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जब मैं डिलीवर कहता हूँ तब जाति, पंथ, धर्म, किसी भी तरह के भेदभाव की वहाँ पर जगह नहीं होती। जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाया था। ओबामा ने कहा था कि जो बाइडेन को मोदी से मुलाकात के दौरान भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओबामा के कार्यकाल में 6 मुस्लिम देशों पर अमेरिका ने बम गिराए। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ओबामा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में भारत के बारे में बता रहे थे। उस दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बात कर रहे थे। ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका ने 6 मुस्लिम बहुल देशों पर बम गिराए थे। इन देशों पर 26,000 से ज़्यादा बम गिराए गए थे। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को लेकर व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करना लोकतंत्र के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज। So there's one thing I just want to address really quickly, which I think is really important. It goes to Kelly O's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to just reiterate a little bit what John said, is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks, that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. And so I just want to be very clear about that.